हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट यूएम कंपटीशन में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश में 4000 पदों पर पुलिस की भर्ती निकली है, जो कि कांस्टेबल की वैकेंसी है। दोस्तों, ये फॉर्म जो है कि पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक स्वर्गों की भर्ती हेतु परीक्षा 2020 के संबंध सूचना दोस्तों यह है। पुलिस मुख्यालय भोपाल से जो कि पत्र क्रमांक ये संख्या भोपाल दिनांक 22 अक्टूबर को यह विज्ञापन जारी कर दिए हैं। उन लोगों द्वारा विज्ञापन में यह लिखा गया है कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा वह 24 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा, जिसकी लास्ट डेट होगी 7 जनवरी। यानी आपको फॉर्म भरने बहुत कम दिन समय मिल रहा है, बहुत कम समय मिल रहा है, और जो कि परीक्षा की तिथि होगी 6 मार्च को प्रारंभ होगी आपकी एग्ज़ाम। यानी कि फॉर्म भरने में आपको सिर्फ 10 से 12 दिन का समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आपकी मार्च में आपका 6 मार्च को आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो टोटल कुल पद हैं वो 4000 है, जो कि विभाग के पत्र मांग के अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या जो है कि 4000 है, जिनमें परिवर्तन संभव है, यानी कि इसमें घटाया बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेडियो के लिए ऑफिस वैकेंसी निकली है और कांस्टेबल जीडी के लिए वैकेंसी निकली, कांस्टेबल रेडियो, कांस्टेबल जीडी, यानी कि ओपन वैकेंसी दोस्तों। जैसा कि आप जो जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ये टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि अड़तीस सौ बासठ पोस्ट है आपके कांस्टेबल जीडी के लिए हैं। तो ये मतलब कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस वगैरह क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी बात है, ये है कि जो कि आयु की जो गणना की जाएगी वह 1 अगस्त 2020 से की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर उसके पहले पहले जैसे बहुत लोग ओवर एज जाते हैं तो उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा, अगर वो 1 अगस्त 2020 से ही गणना की जाएगी, ठीक है दोस्तों, आप तो यहाँ पर निश्चिंत रहें। अब देखिए सभी पदों के लिए जो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के हैं वो 18 से 33 वर्ष के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों मेन बात ये कि अगर आप इंटर कम्प्लीट हैं, 12th पास हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, पहली बात तो ये है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो है कि सिलेबस आपका एक क्रमांक विषय है, मार्क्स है। तो देखिए 4 पार्ट में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तर्क शक्ति रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, जीके जीएस और मैथ है और साइंस है। तो देखिए अब यहाँ पे जो कि रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे 40 आएंगे और जीके जीएस से क्वेश्चन आपके आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे और आपके मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे, वहीं पे विज्ञान से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये तो आपका सिलेबस हो गया रीजनिंग, अगर मैं रीजनिंग है, जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान और मैथ है और विज्ञान है। देखिए दोस्तों इसमें सैलरी कितनी मिलती है, एमपी पुलिस कांस्टेबल सैलरी। तो दोस्तों कांस्टेबल की जो सैलरी होगी आपकी वह ग्रेड पे 5200 से लेकर 20200 तक जो ग्रेड पे उनका रहता है उसी के आधार पे ये कांस्टेबल की सैलरी इसी के आधार पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर वही हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात कर लें कंप्यूटर की, तो 5200 से 20200 यानी ग्रेड पे उनका 2400 और इनका ग्रेड पे 1900 रुपये लगेगा, ठीक है। हेड कांस्टेबल जो कंप्यूटर के रहेंगे उनका जो ग्रेड पे रहेगा वो 2100 का रहेगा, ठीक, और 5200 से 2100 प्लस 2100 ये ग्रेड पे रहेगा। तो यानी कि आपके सैलरी की हम बात कर लें तो आपकी सैलरी यहाँ पे 25 से 28 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है कांस्टेबल जीडी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी आपकी है उसका सिलेबस हमने बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये रहेगा, पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फीटी यानी कि फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका जो है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होगा, ठीक दोस्तों। सैलरी मैंने बता दी है। तो दोस्तों अगर आप हम मध्य प्रदेश पुलिस वैकेंसी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि अभी मैं यूपी जलवाड़ा जो एग्ज़ाम आपका है 19-20 दिसंबर को, उसकी तैयारी मैं करा रहा हूँ, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।